हेलो दोस्तों, लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सरोजनी नायडू की बहुत ही फेमस पोयम इंडियन वीवर्स। बहुत फेमस पोयम है, तो शुरू कर लेते हैं। वीवर्स के माने जुलाहे के आते हैं, जो लोग कपड़ा बुनते हैं, वीवर्स जुलाहा। ठीक है, तो कह रही हैं सरोजनी नायडू के वीवर्स अरे जुलाहो, वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, तुम सुबह सुबह क्या बुन रहे हो? के सुबह सुबह तुम लोग क्या बुन रहे हो? व्हाट डू यू वीव अ गारमेंट सो गे? गे माने चमकीला और भड़कीला, गारमेंट माने कपड़ा। कि तुम इतना चमकीला और इतना भड़कीला कपड़ा बुन रहे हो कि ब्लू एज द विंग ऑफ हेल्सियन वाइल्ड, कि जिस जो इतना ब्लू है, इतना ब्लू और चमकीला है कि जैसे कि हेल्सियन। हेल्सियन बोलते हैं जो नीलकंठ, आपने देखा होगा एक बर्ड होता है नीलकंठ, बहुत ही जो है ब्लू टाइप होता है और वो चमकीला होता है। तो उसका एग्जाम्पल दिया है यानी नीलकंठ के पंखों का, कि जो तुम कपड़ा बुन रहे हो सो गे, वो इतना ज्यादा खूबसूरत है, इतना ज्यादा चमकीला है एंड ब्लू, और इतना ज्यादा ब्लू है एज द विंग्स ऑफ हेल्सियन वाइल्ड, जैसे कि नीलकंठ जो नीलकंठ परिंदा है उसके पंख हैं, इतना ब्लू और इतना चमकीला है। तुम ये क्या बुन रहे हो इतनी सुबह सुबह? तो वो व्यूवर्स जवाब देते हैं कि वी वीव द रोब्स ऑफ अ न्यू बोर्न चाइल्ड, के वी हम बुन रहे हैं रोब माने कपड़ा, न्यू बोर्न चाइल्ड यानी अभी अभी पैदा होने वाले बच्चे का, कि हम बिल्कुल अभी जो फिलहाल में ही एक बच्चा पैदा हुआ है हम उसके कपड़ों को बुन रहे हैं। वी वीव द रोब्स, हम उसके कपड़ों को बुन रहे हैं ऑफ अ न्यू बोर्न चाइल्ड, एक अभी अभी पैदा होने वाले बच्चे के कपड़ों को हम बुन रहे हैं। तो इसमें कहा है, एक सवाल किया है कि ए जुलाहो, ए बुन करो, तुम इतनी सुबह सुबह ये क्या बुन रहे हो? और तुम जो कपड़ा बुन रहे हो वो इतना ज्यादा चमकीला और भड़कीला है और इतना ज्यादा ब्लू है जैसे कि नीलकंठ के पंख होते हैं। तो वो जवाब देते हैं कि हम अभी अभी पैदा होने वाले बच्चे के कपड़ों को बुन रहे हैं। नेक्स्ट स्टैंजा देखें, कह रहे हैं कि वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, कि तुम शाम में, फॉल ऑफ नाइट इवनिंग का जो समय है उसको बोला है कि वीवर्स अरे बुन करो अरे जुलाहो, वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, के तुम शाम में क्या बुन रहे हो? व्हाट डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट, तुम ये जो एक कपड़ा है गारमेंट कपड़े को, और सो ब्राइट माने चमकीला, कि तुम इतना चमकीला जो कपड़ा बुन रहे हो वो क्या है? व्हाट डू यू वीव, तुम ये इतना चमकीला कपड़ा क्या बुन रहे हो? लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पिकॉक, जो के पिकॉक के पंखों की तरह है। लाइक द प्लूम्स ऑफ पिकॉक, जो के पिकॉक के पंखों की तरह है, कैसा है? पर्पल एंड ग्रीन, यानी पर्पल है और ग्रीन, ये कलर है कि पर्पल और ग्रीन कलर का जो कपड़ा तुम बुन रहे हो इतना चमकीला वो क्या है? तो जुलाहे जो बुनकर है वो कहते हैं कि वी वीव द मैरिज व्हील्स ऑफ क्वीन, व्हील्स घूंघट को बोलते हैं, कि हम जो रानी की शादी हो रही है, मैरिज ऑफ क्वीन, के रानी की शादी के लिए जो घूंघट है हम उसको तैयार कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया होगा। देखें आगे कि वीवर्स वीविंग सोलोमन एंड स्टील, कि ए वीवर्स ए जुलाहो, वीविंग सोलोमन एंड स्टील, सोलोमन यहाँ रात का टाइम हो गया है और स्टील माने शांत, कि तुम इतनी शांति के साथ में ये सब क्या कर रहे हो इतनी शांति के साथ में, और जो है पूरी, ठीक है, लाइन समझ में आ गई होगी, कि जो वीवर्स हैं वीविंग सोलोमन एंड स्टील, ये बहुत ही शांति के साथ में और बहुत ही गंभीरता के साथ में, सोलोमन गंभीरता को बोलते हैं और स्टील माने शांत होता है, कि बहुत ही शांति और गंभीरता के साथ में ये कपड़ा बुन रहे हैं। तो फिर वही सवाल है कि व्हाट डू यू व्यू इन द मून लाइट, मून लाइट रात को होगा, और चिल माने ठंडा होना, कि जब इतनी रात में चांद की रोशनी ठंडी होकर पड़ रही है, पूरी तरह से रात हो चुकी है, तो तुम लोग क्या बुन रहे हो और कैसा बुन रहे हो? कि व्हाइट एज फीदर एंड व्हाइट एज क्लाउड, के एक पंख की तरह जो सफेद है, एंड व्हाइट एज क्लाउड, और बादलों की तरह जो सफेद है, कि अब जो तुम कपड़ा बुन रहे हो पंख की तरह सफेद और बादलों की तरह सफेद जो कपड़ा बुन रहे हो तुम इतनी रात में इतने शांत और गंभीर होकर, तो तुम लोग क्या बुन रहे हो? तो वो जवाब देते हैं व्यूअर्स कि वी व्यू अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड, कि हम एक डेड मैन का, है ना, हम एक जो है आदमी मर गया है उसके लिए हम कफन तैयार कर रहे हैं, फ्यूनरल श्राउड यानी उसके लिए कफन तैयार कर रहे हैं, कि अभी अभी एक आदमी मरा है और हम लोग उसके लिए कफन तैयार कर रहे हैं।
तो आपने देखा है इसके 3 स्टैंजा हैं जिसमें लाइफ के 3 फेजेस को बताया है। फर्स्ट टाइम पर वो बहुत ही भड़कीला और चमकीला कपड़ा तैयार कर रहे थे, तो वहाँ पर जो बच्चा था वहाँ पर इंसान अभी पैदा हुआ है, ठीक है। सेकेंड स्टैंजा में जो उसकी शादी हुई है यानी क्वीन की शादी हो रही है, उसके लिए कपड़े तैयार किए जा रहे हैं जो कि मोर के पंख की तरह पर्पल और ग्रीन थे, तो वहाँ पर इंसान जवान हो जाता है, यंग होता है। और इस स्टैंजा में लास्ट में अब इंसान मर गया है, इसके लिए वाइट कपड़े तैयार किए जा रहे हैं। तो ये लाइफ के 3 फेजेस के बारे में बात हुई है, ठीक है, समझ आ गई होगी पोयम। आज के लिए इतना ही काफ़ी है सुनने के लिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।